सुगेश, अगर आपका बजट है 10,000 रुपए और उसमें आपको चाहिए एक बेस्ट पावरफुल स्मार्टफोन, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने ही ऐसे ही 4 स्मार्टफोन को सेलेक्ट कराए, यानी मैंने हर तरह की ऑडियंस के लिए स्मार्टफोन सेलेक्ट करे हैं। गेमिंग करना चाहते हैं या फिर आपको चाहिए एक अच्छा कैमरा सेटअप स्मार्टफोन या फिर आपको चाहिए एक पावरफुल चिपसेट वाला स्मार्टफोन, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से बेस्ट स्मार्टफोन है, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आपका जो चौथे नंबर वाला स्मार्टफोन है, जो है कि सैमसंग गैलेक्सी F13 स्मार्टफोन है। तो देखो, काफी अच्छा स्मार्टफोन है ये। स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जिनको भाई एकदम नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए और लंबे समय तक के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको इस स्मार्टफोन को सजेस्ट करूंगा। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखो, यहाँ पे ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 12 पर रन करता है और एकदम एवरेज सा स्मार्टफोन मिल जाता है, यानी 207 ग्राम का ये स्मार्टफोन है। तो यहाँ पे आपको मिलती है भाई एक IPLCD पैनल है, जो कि एक फुल HD प्लस डिस्प्ले, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ मिलती है। अगर देखा जाए तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, कलर्स वगैरह, वो तो मुझे अच्छे लगे। इसके अलावा इसके अंदर जो कैमरा क्वालिटी है ना, वो भी मुझे अच्छी लगी, यानी प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं आप इस स्मार्टफोन से, क्योंकि मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी। तो इसके बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, तो डे लाइट के अंदर तो आप अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यूज़ किया गया सैमसंग का Exynos 850 वाला चिपसेट है, तो परफॉर्मेंस तो आपको डेली यूज़ के लिए स्मार्टफोन अच्छा रहेगा, बट अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये स्मार्टफोन को स्किप करना पड़ेगा। इसके अलावा 4GB की वर्चुअल रैम आपको मिल जाती है और ट्रिपल कार स्लॉट यहाँ पर आपको मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर भाई आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी और 15W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। सिक्योरिटी के लिए सैंडमाउंट फिंगरप्रिंट है। तो अब इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आपको मिल जाती है 4GB रैम, 64GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिलती है ओनली 9,500 रुपये के अंदर। आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपके अगले स्मार्टफोन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आपका जो तीसरे नंबर वाला स्मार्टफोन है ना, जो कि रियलमी की तरफ से आता है, रियलमी C55। देखो, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको एकदम अच्छी डिज़ाइन तो मिली जाती है और एक और अच्छा फीचर्स मिलता है, जो कि आईफोन की तरह मिलता है, डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है, जिसको रियलमी कहता है मिनी कैप्सूल। तो देखो, काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं। तो मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखो, ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 पर रन करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये काफ़ी स्लिम स्मार्टफोन है, क्योंकि 189 ग्राम का ये स्मार्टफोन है। तो मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, एक IPLCD पैनल मिलता है, जिसके साथ आपको मिलता है 90Hz का स्मूथ डिस्प्ले एंड 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट है और पंच होल कटआउट के साथ मिलता है और 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। अगर देखो डिस्प्ले में देखा जाए तो कलर्स वगैरह मुझे काफ़ी अच्छे लगे और मिनी कैप्सूल तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चार्जिंग वगैरह के टाइम पर एनिमेशन वगैरह काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। इसके अलावा डुअल कैमरे का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है एंड इसके फ्रंट में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, तो 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पर। देखो, नो डाउट कैमरा क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, पंची कलर्स आते हैं, डे लाइट के अंदर अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूज़ किया गया MediaTek का हेलो G88 वाला चिपसेट है और यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रिपल कार स्लॉट है। परफॉर्मेंस ये स्मार्टफोन आपको अच्छी निकाल के दे देगा और भाई यहाँ पे आप 8GB की वर्चुअल रैम ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको स्टोरेज को घेर लेता है भाई, जो कि मुझे तो किसी काम का लगता नहीं है। और यहाँ पे आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिल जाता है सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट है। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको मिलती है 4GB रैम, 64GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है 10,500 रुपये के अंदर। आप चेकआउट कर सकते हैं, वैसे सेल वगैरह चली हुई है ना, तो तब चेकआउट कर पाएंगे, अन्यथा ये स्मार्टफोन आपको 11,000 रुपये के अंदर मिलता है। तो भाई, अगर आपकी प्रायोरिटी है कि भाई डिज़ाइन अच्छी चाहिए, यानी दिखने में स्मार्टफोन अच्छा हो, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी हो, तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आपका जो अगले नंबर वाला स्मार्टफोन है ना, ये स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जिनको प्रायोरिटी है कि भाई 5G स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं, जो है कि Infinix Hot 20 5G स्मार्टफोन है। देखो, डिजाइन तो मुझे काफी अच्छी लगी एंड ये स्मार्टफोन Android 12 पर रन करता है और यहाँ पे आपको 204 ग्राम का ये स्मार्टफोन है, क्योंकि थोड़ा मोटा सा स्मार्टफोन है। इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको एकदम IPLCD पैनल मिल जाता है, जिसके साथ आपको मिलता है 120Hz का स्मूथ डिस्प्ले, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ मिलती है
तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ना वो तो मुझे अच्छी लगी। इसके अलावा बैक में डुअल कैमरे का सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी। तो इसके बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैमरा क्वालिटी डेलाइट के अंदर अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा भाई यहाँ पर यूज़ किया मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 वाला चिपसेट है। तो परफॉर्मेंस तो ये स्मार्टफोन आपको अच्छी निकाल के दे देगा और यहाँ पर आपको 12 5G के बैंड मिलते हैं। तो फीचर के लिए काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है और गेमिंग भी आप इस स्मार्टफोन से कर पाएंगे। इसके अलावा ट्रिपल कार स्लॉट मिल जाता है और 3GB की वर्चुअल रैम आप इस स्मार्टफोन के अंदर ऐड कर पाएंगे। तो बैटरी के बारे में बात करें तो 5000mAh की बैटरी है और यहाँ पर आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट है। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो गाइस 4GB रैम 64GB का स्टोरेज है जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है ओनली 11,000 रुपये के अंदर। आप इसे स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ पर आपका जो पहले नंबर वाला स्मार्टफोन है ना, ये स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए जिनको भाई तक एकदम क्लीन इंटरफेस वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। जो है कि मोटो G32 काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। डिज़ाइन तो मुझे इस स्मार्टफोन की काफ़ी अच्छी लगी एंड ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 12 पर रन करता है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट फिंगरप्रिंट है जो कि ईस्टर्न वर्क करता है और काफ़ी लाइट वेट सा स्मार्टफोन है क्योंकि 184 ग्राम का ये स्मार्टफोन है। इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो देखो एक IPLCD पैनल मिलता है, 90Hz का स्मूथ डिस्प्ले पंच होल कटआउट के साथ मिलती है। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, कलर्स वगैरह वो तो मुझे अच्छे लगे। यहाँ पर आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। तो बैक कैमरे से 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरा क्वालिटी डे लाइट के अंदर अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं बट यहाँ पर आपको म्यूटेड कलर्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 680 वाला चिपसेट है। देखो परफॉर्मेंस तो यहाँ पर आपको अच्छी निकाल के दे देगा। ये स्मार्टफोन 6nm वाला प्रोसेसर है तो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट चिपसेट है। हाइब्रिड सिम स्लॉट यहाँ पर आपको मिल जाता है और इसी के साथ आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी है, 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। तो प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, 4GB रैम 64GB का स्टोरेज है जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है भाई 10,500 रुपये के अंदर आप चेकआउट कर पाएंगे। देखो इस स्मार्टफोन को मैं उन यूजर्स को रिकमेंड करूंगा कि जिनको एकदम पुख्ता स्मार्टफोन चाहिए और लॉन्ग टाइम के लिए लेना चाहते हैं, क्लीन इंटरफेस चाहिए, कोई भी ऐड वगैरह नहीं चाहिए, तो मैं आपको इस स्मार्टफोन को सजेस्ट करूंगा। तो गाइस ये थे आपके बेस्ट स्मार्टफोन जिनको आप खरीद सकते हैं ओनली 10,000 रुपये के अंदर। देखो कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।